नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट। रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता के दौरान सुरक्षा और रक्षा पर चर्चा हुई। वहीं अमेरिका ने भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उनके सहयोगी के खिलाफ कार्रवाई करने पर सहमति जताई है। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे 2+2 डायलॉग में दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही है, जिसमें दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर लड़ेंगे। पहली बार अमेरिका ने भारत के दुश्मनों में से दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कबूली है और कहा है कि वे दाऊद को ढूंढ निकालने में भारत की मदद करेगा और पाकिस्तान से चल रहे आतंकवाद को खत्म करने में भी भारत का साथ देगा। H-1B वीजा व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव के मुद्दे पर एक संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए सेक्रेटरी पोम्पियो से अनुरोध किया है, क्योंकि इस प्रकार के फेरबदल से हमारे नवोन्मेष और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा, जो हमारे संबंधों को ऊर्जावान बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। और मैंने सेक्रेटरी पोम्पियो से कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में जो मित्रता है, उसका लेकर भारत के लोगों को लगता है कि अमेरिका उनके हितों के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। मैंने कहा है उनको कि भारत के लोगों के इस विश्वास को वो बनाए रखें। The conclusion of the first ever ministerial 2+2 between India and United States is a concrete manifestation of the vision of our leaders, Prime Minister Narendra Modi and President Donald Trump, to take the India-US relationship to a new level. वहीं भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कहा कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल सीमा पार आतंकी हमलों के लिए नहीं होने देंगे और पाक में हुए आतंकी हमलों के लिए दोषी आतंकवादियों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करें। वहीं 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में 2017 के आतंकियों के नाम पर द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने का स्वागत किया गया, जिससे अलकायदा, ISIS, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क, डी कंपनी जैसे आतंकी गुटों के खिलाफ कार्रवाई करने में सहयोग को मजबूती मिलेगी। बांदा में एक युवक ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। कुल्लू राजपूत नाम का युवक पत्नी के मायके जाने पर तनाव में था और नशे की हालत में कुएं में कूद गया। बांदा में एक युवक की कुएं में हुई मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक में शराब की लत थी, जो नशे की हालत में इलाके में चक्कर काटता था। वहीं ज्यादा शराब पीने की वजह से युवक ने अपना आपा खो दिया और नशे की हालत में कुएं में कूद गया। वहीं मौत की खबर जब परिजनों को मिली तो घर में मातम छा गया। सीजी फोन पे सूचना मिली थी, कालवन क्षेत्र का नहीं पार कर रहने वाला कोई व्यक्ति कुएं में डूब गया है। सूचना मिलते ही तुरंत हम यहाँ आए और देखा कि उसका शरीर जो है पानी में तैर रहा था, जिससे प्रथम दृष्टया लगा था कि वो मृत हो चुका है। जब उसको बाहर निकाला गया तो कन्फर्म हुआ कि वो मृत हो चुका है, बाहर निकाल दिया गया है। बाकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कहा जाएगा। जानकारी हमें ये लगी है, मोहल्ले में बताया कुएं कूद गए, फिर हम गए हैं इनके, देखा हमने, हाँ निकालने की कोशिश किया, हाँ एक बार निकला तो फिर उसके बाद है नीचे फिर सड़क गया। तो इनको घरेलू कोई होगा, कोई ऐसी बात। पड़ोसियों की माने तो मृतक कल्लू राजपूत की पत्नी के मायके जाने से परेशान चल रहा था, जिसके चलते काफी तनाव में रहता था। इसी दौरान नशे की हालत में वो कुएं में कूद गया। जब तक उसे बाहर निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक वो मर चुका था। यूपी के जौनपुर में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले संचालक समेत 270 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। हिंदू धर्म मानने वालों का धोखे से धर्म परिवर्तन कराने के कारण ईसाई धर्म का प्रचार करने वालों के खिलाफ दीवानी न्यायालय के आदेश पर FIR दर्ज की गई है। बता दें चंदवक थाना क्षेत्र के भूलनडी गांव में ये प्रार्थना स्थल बनाया गया है, जहां लोगों को यीशु के बारे में बताया जाता है और ये विश्वास दिलाया जाता है कि यीशु के दरबार में आने पर हर रोग से छुटकारा मिल जाता है। मुझे समाचार पत्रों से मालूम हुआ कि हमारे यहाँ डोभी क्षेत्र है जो चंदौर थाना के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ भूलनडी गांव में दुर्गा प्रसाद यादव अपने तमाम समर्थकों के साथ करीब उसमें
ये संख्या करीब 271 के बराबर है, वो लोग हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार करके हिंदुओं को बहला फुसला के धोखा देके उनको जो है जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा। प्रार्थना सभा में जौनपुर के सीमा से सटे आजमगढ़, गाजीपुर और वाराणसी जनपद के लोग शामिल होते हैं। इस प्रार्थना सभा के चलते चंदवक के हरिहरपुर गांव के बस्ती के 2 दर्जन घरों के लोगों ने भगवान की पूजा करना छोड़ दिया और ईशु की प्रार्थना करने लगे। थाना चंदवक के ग्राम बुल्लनडी में जो है विगत दिनों ये मामला प्रकाश में आया था कि कुछ लोग ईसाई धर्म के नाम पे वहाँ पर सीधे साधे भोले भाले लोगों को जो है बेवकूफ़ बना करके और धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात की सूचना पे जो है पुलिस ने इसमें जांच की तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि नहीं, वहाँ पे दुर्गा यादव हैं और उनके साथ रहने वाले कई लोग हैं जो इस तरह से मंगलवार और रविवार को जो है एक अपना प्रचार प्रसार करते हैं। न्यायालय से आदेश के बाद पुलिस ने संचालक समेत सभी 270 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं धर्म का प्रचार किया जा रहा है लेकिन अभी तक किसी ने धर्म परिवर्तन कराने की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी थी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा। बड़ा सवाल ये कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा रहा तो फिर भूलंडी गांव में लगने वाली प्रार्थना सभा में जाने वाले लोगों ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा करना क्यों छोड़ दिया? अगर समय रहते ऐसी प्रार्थना सभा पर रोक नहीं लगाई गई तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में लोग मंदिरों में दीपक जलाने के बजाय चर्च में मोमबत्ती जलाते नजर आएंगे। गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से एक नवजात बच्ची की मौत हो गई, जिसके चलते परिजन नाराज हो गए और अस्पताल में हंगामा करते हुए तोड़फोड़ कर दी। संजय नगर निवासी दीपक ने मंगलवार को अपनी पत्नी को महिला अस्पताल में भर्ती किया था। दीपक का आरोप है कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी हालत बुधवार रात बिगड़ने लगी थी, डॉक्टर देखने तक नहीं आए। बृहस्पतिवार दोपहर 12 बजे बच्चे की हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे रेफर करने लगे। एम्बुलेंस की मांग की गई तो नहीं मिली। आरोप है कि समय पर इलाज न मिलने के कारण बच्चे की मौत हो गई। 4 दिन पहले महिला का ऑपरेशन द्वारा प्रसव हुआ था, बच्चा माँ के पास ही था। प्रसव के बाद जैसा कि गाइडलाइन है कि माँ को बच्चे को माँ का ही दूध मिलना चाहिए हर समय, बच्चा बिल्कुल ठीक था लेकिन माँ ने बच्चे को दूध पिला के डकार नहीं दिलाई और सीधा लेटा दिया तो बच्चा एस्पिरेट कर गया। यूपी के हरदोई में इन दिनों लगातार हुई मौतों से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। इन मौतों की वजह एक रहस्यमयी बुखार बताया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। मामला यूपी के हरदोई में बहेंदर ब्लॉक के भठोली गांव का है, जहां एक रहस्यमयी बुखार फैला हुआ है। इस विचित्र बुखार से पिछले 24 घंटे में कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि यहां एक दिन में ही 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 7 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। ये राजस्व ग्राम भठोली है, यहां पे कुछ संदिग्ध मौतें हुई हैं जो कि हमारे प्रशासन के उच्च अधिकारी को फोन हुआ था, उसके एड्रेस से हमें यहां भेजा गया। जो हमने यहां की जानकारी ली तो संदिग्ध बुखार के कारण मृतकों में ज्यादातर बुजुर्ग महिलाएं हैं। अभी भी दर्जनों लोग तेज बुखार की चपेट में हैं और बेहद डरे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग और राजस्व टीमें मौके पर मौजूद हैं। मामले में स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह महज सीजनल बुखार है और जिन लोगों की मृत्यु हुई उनकी उम्र ज्यादा और दूसरी बीमारियां होने के कारण ऐसा हुआ है। एक साथ हुई मौतों को स्वास्थ्य विभाग महज एक इत्तफाक बता रहा है। यूपी के अमरोहा में चक्रोड को लेकर विवाद होने पर एक दबंग परिवार ने खुलेआम गुंडागर्दी करके गांव में दहशत फैला दी है, लेकिन पुलिस ने आरोपी परिवार के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है बल्कि गांव वालों के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। अमरोहा के लोहारी भूड़ गांव के निवासी पुष्पेंदर और उसके परिवार ने चकबंदी के दौरान खोले गए चक्रोड पर कब्जा कर लिया है।
जिसकी शिकायत जब गांव की निवासी रीना और उसके परिवार ने लोगों के साथ मिलकर जिला अधिकारियों से की तो पूरा दबंग परिवार आग बबूला हो गया और उन्होंने शिकायत करने वाले गांव वालों के साथ मारपीट की और उनमें दहशत फैलाने के लिए खुलेआम आवेद असला लहराए और धमकी दी। लेकिन दबंग परिवार की ये गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें मोबाइल कैमरे में कैद हो गई हैं, जिसमें ये दबंग परिवार खुलेआम लोगों को डरा और धमका रहा है। लेकिन पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि आरोपी परिवार के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि गांव वालों के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानून का खौफ दिखाया गया है। भारी भूड़ में एक चकरोड़ थी, बहुत पुरानी, 50-60 साल पुरानी चकरोड़ है। उस चकरोड़ को जो है इन्होंने दबंगों ने, जिन्होंने फायरिंग करी थी, उन्होंने बंद कर रखा था। कल कुछ अधिकारी आए उसको खुलवाने के लिए। जब अधिकारी खुलवाने गए, अधिकारी ने खुलवा दी, नपत उपत सब हो गई। नपत होने के बाद में दोनों पक्षों की सहमति हो गई। सहमति के बाद में दूसरे पक्ष ने अपने अचानक आया के बाद में फायरिंग शुरू कर दी, मारपीट शुरू कर दी। इसमें जानकारी में आया है कि हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव में कुछ लोगों ने अवैध असला लहराए हैं, इस पर की पुलिस जाँच कर रही है और अब इसको मुकदमा कायम कर कार्रवाई की जाएगी। जो वीडियो आया है उसके आधार पर अभियुक्तों की शिनाख्त कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिसे लेकर गांव के लोग पुलिस पर आरोपी पक्ष से मिली भगत का आरोप लगाया है और न्याय के लिए एसपी दफ्तर पर प्रदर्शन करके इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि पुलिस ने आरोपी पक्ष से पैसे ले लिए हैं, इसलिए हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि गुंडागर्दी उन्होंने की थी। पटना में रिटायर कमिश्नर और उसकी पत्नी घर में घुसकर हत्या करने की घटना सामने आई है, देखिए क्या है पूरा मामला। बिहार की राजधानी पटना में लघु सिंचाई विभाग के रिटायर्ड कमिश्नर और उनकी पत्नी के घर में घुसकर अपराधियों ने गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों का शव उनके बेडरूम में मिला है। पति पत्नी के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी मनु महाराज सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। महेंद्र प्रसाद जो रिटायर्ड कमिश्नर इरिगेशन विभाग से रहे हैं, उनका और उनकी पत्नी का शव यहां पे कमरे में मिला, उसको ले जाया गया है। प्रथम दृष्टि ये हुआ कि उनको बचाया जा रहा है और हॉस्पिटल ले जाया गया, पर वो मृत घोषित किए गए। पुलिस अनुसंधान कर रही है, पूछताछ कर रही है उनके घर वालों से भी। अब हम लोग अनुसंधान करेंगे, उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं। घटना का कारण संपत्ति विवाद हो सकता है। बता दें, हरेंद्र प्रसाद ने 2 शादी की थी और उनकी करोड़ों की संपत्ति है। वहीं जिस मकान में दंपत्ति रहते थे उसमें उन लोगों के तकरीबन 55 किराएदारों को रखा हुआ था। यूपी के मैनपुरी में नकली शराब बनाने का धंधा खूब फूल रहा है। शराब माफिया पुलिस के निगाहों से बचने के लिए स्कूल तक में इसका काला कारोबार करने से नहीं चूक रहे, देखिए पूरा मामला। जनपद मैनपुरी के संजय सिंह उमा विद्यालय के प्रधान अध्यापक काफी समय से विद्यालय में शराब बनाने का काला कारोबार कर आसपास के क्षेत्रों में शराब सप्लाई कर रहे थे। लंबे समय से विद्यालय की आड़ में चल रहे अवैध शराब के काले कारोबार का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को सैकड़ों लीटर केमिकल शराब, 1 बाइक, हजारों की संख्या में स्टीकर और शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस संजय सिंह उत्तम माध्यमिक विद्यालय है जुनेसा में, जिसमें कुछ शराब पकड़ी गई है, जिसमें केमिकल 20 लीटर, स्टीकर, तोहफा, दिलवर, मक्खी, फाइबर लगभग 10,000 व पौवे भरे हुए 250, खाली पौवे 1,000, 150 उत्तर प्रदेश होलोग्राम मनोग्राम, 1500 यूरिया 3.2 kg मौके पर पकड़ी गई है। विद्यालय में चल रहे अवैध धंधे की सूचना पर थाना प्रभारी लालता प्रसाद दाऊ ने घेराबंदी करते हुए कार्रवाई की। वहीं अवैध शराब से भरी बुलेरो से 4 आरोपी मौके से फरार हो गए। आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था पर हजारों सवाल खड़े हो गए हैं। मामला एक प्रेग्नेंट महिला को कंधे पर रखकर अस्पताल ले जाने का है।
चाक चौबंद जिंदगी और बड़ी बड़ी गाड़ियां, केवल शहरों में ही ये सब अच्छा लगता है। लेकिन आंध्र प्रदेश में सड़क असुविधा का आलम यह हो चला है कि एक गर्भवती महिला को उसके परिजन कंधे पर ले जाने को मजबूर हैं। सरकार के झूठे वादों से मुंह की खा चुके ये लोग परेशान होकर 4 किलोमीटर तक पैदल चले, लेकिन महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में एक बच्चे को जन्म दिया। महिला को इलाज के लिए उसके रिश्तेदार पुरुष अपने कंधे पर रखकर 4 किलोमीटर तक पैदल चले। बताया जा रहा है कि अस्पताल गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। इसके बाद उन्हें आधे रास्ते से ही घर वापस लौटना पड़ा, तो वहीं ऊपर वाले ने रहम दिखाया, मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि इसी तरह की एक और घटना पिछले 29 जुलाई को विजयनगरम जिले से ही आई थी। उस दौरान भी एक प्रेग्नेंट महिला को इलाज के लिए 12 किलोमीटर तक जाना पड़ा। मामला सुर्खियों में भी आया, लेकिन अब तक सरकार होश में नहीं आई। इलाहाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला इलाहाबाद के सोराव थाने के हाईवे के पास का है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। इससे पहले भी इलाहाबाद में जमीन विवाद के चलते एक सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर की लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। सब इंस्पेक्टर का एक हिस्ट्री शीटर से मकान को लेकर विवाद चल रहा था। सोमवार को जब वो अपने घर से सब्जी लेने जा रहे थे, तभी बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिल हमला कर दिया। यूपी के बरेली में हादसे से 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की घटना सामने आई है। देखिए क्या है पूरा मामला। बरेली में पहले हादसा हाईवे पर बहगुल नदी के पास हुआ, जहां रामचरण और विजयपाल बाइक पर सवार होकर बरेली कचहरी से लौट रहे थे। पीछे से आ रही तेज रफ्तार बुलेरो ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके चलते वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल युवकों को बेहतर उपचार के लिए बरेली के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। दूसरा हादसा तब हुआ जब तिलमास निवासी अनस मोहम्मद और रेहान मिरगंज कस्बे से घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में स्थित मंदिर के सामने से आ रही बाइक ने उसे सामने से टक्कर मार दी, जिससे अनस रेहान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वो इनका फल का खोखा लग रहा है, फल के खोखे को लेकर मतलब विवाद चल रहा है, वे लोग खोखा लगने नहीं दे रहे। और ये हम लोगों कह रहे साहब, हमें जिला पंचायत खोखा मिला हुआ, आप क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? इसी बात को लेकर काफ़ी विवाद हो गया, मारपीट हुई और इन लोगों ने मतलब हमें वहाँ खोखा हमारा पलट दिया और बहुत काफ़ी मतलब जान मतलब जैसे अधिकारी लोगों ने उस अधिकारी जाँच की तो उनका ICICI का मुकदमा लगा और चार्जशीट भी लग गई, सब सारे काम हो गए। उसमें 13 लोग थे, 13 लोगों में 4 लोग रह गए, बाकी लोग और सब निकाल दिए। तो हम यही जानकारी लेने गए साहब, बाकी लोग क्यों निकाल गए, 4 लोग रह गए, इसी को लेकर हम सब इन लोगों को पता चली। ये लोग हमारे इधर से हमारे साथ लगे, इधर से नौकरी लगा, उधर से जे आए तो इन्हें हम पुल पे जुड़े, इन्हें हमारे पीछे मुड़कर देखा तो इन्हें हमारे ऊपर गाड़ी जैसे बरेली से आए थे, पीछे थे सर। कौन से पुल पे? बैगल नदी का पुल है। दोनों हादसे के आरोपियों को स्थानीय निवासियों ने पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की चर्चित जोड़ी को लेकर सोशल मीडिया में आए दिन खबरें आती रहती हैं। आपको बता दें कि दोनों इस साल के अंत में हिंदू रीति रिवाज से इटली में शादी करेंगे। आपको बता दें, इटली में होने वाली शादी में परिवार के अलावा बेहद चुनिंदा दोस्त ही समारोह में शामिल होंगे। शादी के बाद पति पत्नी के रूप में भारत वापस आने के बाद ये जोड़ी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ग्रैंड रिसेप्शन का आयोजन करेगी। बताते चलें कि पिछले कई सालों से दोनों सितारे रिलेशनशिप में हैं। दोनों के रिश्ते संजय लीला भंसाली की फिल्म गोलियों की रासलीला के बाद गहरे हुए थे। सार्वजनिक मौकों पर दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक होती है। दोनों एक दूसरे की जमकर तारीफ भी करते हैं। ब्रिटेन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।